बीआरटी वैन यहां रोड जा रही है 870 करोड़ रुपया दिया कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी लोग ले आई है नेशनल हाईवे का काम चालू है क्यों नहीं है क्यों यो विकास नहीं दिख रही हो क्यों दिखू पहली बार विधायक बने था 3 साल के तो विकास नहीं दिख रहा मन मड़गांव मोदी मोर्चा हुए नहीं रहा हूं वह डबल रोड भी नरेंद्र भाई मोदी दीदा और वो नहीं हुआ अब बार 63 करोड़ रुपया और स्वीकृत किया ओडादर चौराहे हूं राजसमंद भी नयो मेगा हाईवे बनेगा अरे बड़बुला गांव कई लोग बैठा हुएगा वो पहली बार विधायक होने दान 4 किलोमीटर चाल पैदल गया हूं आज बड़ा सब गांव में जो डामरीकरण है कि नहीं आपने चाहे आंधी मारा जाओ या रोड भी मारा जमाना में बढ़ी है भैरूसिंह जी मुख्यमंत्री दान में वो काम ले आयो वो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा रही है जतरा विकास का काम अटे लिया है लेकिन अगे गई वो था हमेशा मुंह जीतू और अपनी सरकार को राज बढ़े अब के थे था मैंने तो जीता यो पर दूसरी जगह हार हूं गेलो साहब को कई स्टेटमेंट हो कचड़ी विधानसभा में बीजेपी को एमएलए है पर जो आयो तो को एमएलए वो इस पाको एमएलए ठंडार आखिर बिजार पे लागो तहसीलदार आखिर बिजार पे लागो एसडीएम आखिर बिजार पे लागो डीवाईएसपी आखिर बिजार पे लागो अब यदि कर्मचारी भ्रष्टाचारकारी तो भी को जिम्मेदार सुरेंद्र सिंह है गणेश जी परमार है गहलोत साहब एक नाम जो बताई दे मुख्यमंत्री हमारी बात उठिया बगैर जो रिपोर्ट मंगाई कि मैं एक दिन 5 साल में कोई डीजार की थी मैं एक चपरासी पर आके हूं आप लगाए हो गए जितने भी अधिकारी आप विधानसभा में लगाया गणेश जी परमार का लेटर पेड पे पूर्व विधायक का नाम लगाया और वो ज्यादा नहीं कहूं भी मैं कई वे जो सब आप जानो अधिकारी कहे अधिकारी के वर्तमान विधायक को तो काम कर दो जो राजी अरे पूर्व विधायक के नारियल पेट कर दो जीव राजी मैं ऐसा नारियल नहीं लेता हूं विधानसभा में मेरा 30 साल का राजनीतिक जीवन में कोई 500 रुपया को भी आरोप लगाई सके गई मैं वसुंधरा जी की सरकार में मिनिस्टर गया हूं 5 साल राजस्थान में 10,000 करोड़ का एनिकट मारा हाथ उड़ाया हूं लेकिन राजस्थान का कोड़ा को कोई ठेकेदार नहीं कैसे सुरेंद्र सिंह राठौर की गलू 500 रुपये भी निकल और इनको सबूत चाहो ने तो 18 का चुनाव में भारत को गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और सर्टिफिकेट आप लोगों ने बीच में दे दिया हुआ ईमानदारी आपकी सेवा की दी ईमानदारी आपका सुख दुख में भागीदार रहने को प्रयास की दो वाता कई करनी है 3D करो आगे क्यों था बहुत जल्दी मुंह आयो 12 बजे दाल पाटाल भरियो तो को 11 तक जा पर आपरी छाती ने धन्य है आप मनु आया नरेगा का बदला था तो टीपल ने भाग जाता क्यों मैं दावे के साथ कह सकूं कि भीम में जो भीड़ ही हुआ वह आदि नरेगा की है वर्तमान विधायक फार्म मारा भी कर्मचारी संपर्क में रहे अपने लोग क्यों क्योंकि हम सरपंच ने दमकाया और दमके दमके लेडीज इतनी बेटो कहो इतनी लेडीज भीम में कहती आई हो मैं 3 साल की देखी खाई करा है सरपंच साहब एमएलए साहब दमका में तो आज के दिन आप संकल्प लेना है विकास का काम मानो सुरेश जी क्यों नहीं क्यों सब सब लोग काम करोगे प्रयास करूं मुंह आज 30 साल में हर गांव डाणी में कई समस्या जो काम भी और कई बाकी मैं जानू मैंने आंगड़िया पे याद है गलती कारण गड्डी मान लो योगेंद्र सिंह ने वोट दे दिया बोली तो ड्राइवर ने कह लखमाव था वो घड़ा जानो है वो ठेर काबरी माध्यम से उबो भी
तीन साल तक कुंभल कटे मगरा ने होद ढूंढवा पे लाग जाई, दो तीन साल खाली स्वागत में रह जाए, युवा धड़कन युवा धड़कन में निकल जाए और फिर वो बेड़ज ना को रही हो तो पता मारा भी मन में रह जाए। अड़ी बात है, आपने अपील कर ली हूं, जो भी विकास का काम बाकी है मैं करूंगा, लेकिन एक बात आज और क्यों कि आपने कुंभलगढ़ में आप हनुमान जयंती मनावा पिछला चार पांच साल हूं, ऐतिहासिक हनुमान जयंती मन रही है, लेकिन आपने किला में जाई एक भगवा झंडो लगावाना बात है भी आपने पसीनो आ गया पसीनो दिया को मैंने ठेर पुरातत्व विभाग जोधपुर तक बात करनी पड़े, राज्य सरकार भगवा झंडा फहराना भी रोके आपने, वो आज आपने विश्वास दिलाई हूं सरकार आई रही है, आई रही नहीं आई रही है, पक्की बात पक्की बात, तो सरकार आपनी आई रही है और 24 में मोदी जी आए नहीं आए बताओ, पक्की बात है, पाचे बताओ पाचे रूपला नहीं बैठो, पक्की बात मोदी जी पांची शपथ ले रही तीसरी बार, राजस्थान में सरकार वाली भारतीय पार्टी की डबल इंजन वाली, और आओ और ये नाम हनुमान जयंती पे जो भगवत झंडो फहरावा वो दुनिया की ताकत दी पाचो खोल सके, केलवाड़ा में गवरी वालो मामलो जो भी हो, गवरी खाली भील समाज की है का अपने सब समाज की है, पक्की बात है नहीं, मुंदा 30 साल हो गया गवरिया में आता ने, मैंने बताओ ये कुंभलगढ़ में घर में किसी व्याह वे नहीं पटेल साहब जिनमें महिलो लावे कपड़ा लावे बतरा कपड़ा है, सब समाज का लोग गवरी घोड़ा में दान आपा आपरा भील के पूरा परिवार के लेला, और एक महीना तक भील समाज ने पूरा रखो रखे और लारे गांव वाला भी रखो रखे गांव में गवरी लीजी तो, लेकिन गवरी भी कही रहा कि रोको और आपा मान लो 8,000 आदमी प्रदर्शन की दो तो मारे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा को नहीं तो पूछो ही 153 ने मोह तो पढ़े तो को नहीं समझ में नहीं आ, क्यों गणेश सिंह जी वकील है योगेंद्र भी वकील है, धारा तो आई बताई बेगा कि चुनाव आई क्यों है सुरेंद्र से खिलाफ ही धारा नहीं या देवेंद्र सिंह जी बताई आई से धारा 153 है गलत नहीं बोल रही 153 के खिलाफ मारे मुकदमा दर्ज की दो है, सीआईडीसीबी में कागज भेज दो है, आज मैंने खबर लागी एक सूर्य सिंह जी टीम पूरी घटना आई की है तो वह फाइल जयपुर पड़ी जो दौड़ उदयपुर आई की, दो चार पांच दिन में राशि में नहीं जाए, अरे हिम्मत हुए तो कुंभलगढ़ में आओ या मैंने बताओ वो घटे हो मैंने गिरफ्तार करो, मैंने बहुत गर्व रहेगा मने इस बात को बहुत गर्व होगा कि गवरी नहीं हटी और रास्ता नहीं दी दो है, उन्हीं का बात यदि मुझे जेल जाऊं तो अपने आप में बहुत गौरव महसूस करूं, लेकिन आज विश्वास दे लू डबल इंजन सरकार आया बात ये काम अटे नहीं होगा सब अपने आप बंद हो जाएगा, आपने आवे नवरात्रि सब जगह जागरण कराग नहीं करा, भले पतो है पाती बामा दो नोटता नहीं अटे कुंभगढ़ में तो काती का नोटता भी खूब करे जतरा टाबर बहाने हैं नवरात्रि में अटे आवे और आपने नवरात्रि आवे और यो गहलोत लाइटा काटे नहीं काटे वो चाहिए नहीं है ठाकुर जी का लाइट रहे और दूसरा के त्योहार आवे जी में कहीं करे अखबार में आलो सरकार को एक राज्य मंत्री लेवल को आप मंत्री बोलियो के बाड़ू रोजा चाल दिया लाइटा नहीं काटनी
तो माँ कहीं नोड़ता पे नींबू पानी, मैं नींबू पानी पीला डोड़ता पे। माने का अंधेरा में बैठे लिखिया निश्चित तौर वो दौर भेदभाव ही गेलो साहब की तो है इन्हें आप आज पूरो कट्टरता हूं सामनो करनो पड़ी मजबूती हूं। और एक बात और क्यों महाराणा प्रताप की जयंती पहली बार जानू विधायक हो 1996 में कुंभलगढ़ किला में महाराणा प्रताप का कक्ष का ताला खुलवाया हूं। मैंने भेरू सिंह जी मुख्यमंत्री आ क्यों सुरेंद्र दुर्भाग्य की बात रखा आजादी के बाद अतरा विधायक आया अतरी सरकार उड़ी लेकिन थारा महाराणा प्रताप जी कक्ष में जिनमें जी के ताला लाग गया है तू खुलवा और किला पे महाराणा प्रताप जयंती मना मैं खुद आऊं। और आपने ध्यान में तो लाख सुना आडवाणी भी यात्रा में आया हुआ 1,00,000 लोग अब कुमर किला में इकट्ठा भी आवा जिका बाद आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री बढ़े और किला को नक्शो कोई बदलो तो बड़ा बदलो और बटे की आपने कोई कहवे के प्रताप जयंती किला में नहीं मनाई सको वो आज आप रहमत घोषणा करें जाइ डबल इंजन की सरकार आई अगली महाराणा प्रताप की जयंती कुमर का किला में मनाया हुआ और वह हमेशा लगाते बनेगा कौन दुनिया की ताकत नहीं रोक सके महाराणा प्रताप को जन्म दिया वटे दी मां बगमोनी फेरावान वटे दी महाराणा प्रताप की जयंती नहीं मनावा तो पूछे आप सब कायर वाजा की बात अड़ी बात है यो काम भी करा विकास का काम भी करा सुख दुख में पीड़ा गई तो सुख में भी आई हूं दुख में भी आई हूं आगे भी आऊं। और एक अंतिम बात के मेरी बात समाप्त करूं मोदी जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दो कि कुंभलगढ़ में टाइजर प्रोजेक्ट भी कोई लाए हो तो सांसद दिया कुमारी लेना ही बहुत प्रयास की दो आपकी सरकार में 8-13 तक ये वो प्रोजेक्ट नहीं लाई सकिया अब और आपकी सरकार नहीं वेता तो कभी सांसद बोले मोदी जी ने कह दिया प्रोजेक्ट लेना ही और जो ही वो प्रोजेक्ट आयो अरे जो चुनाव है जो फायदो भी जाए आने तो ये जो बालू युवा तड़कम नहीं है कहीं एक या कोटड़ा वर्धड़ा उदावर सब जगह जाए क्यों कि सुरेंद्र सिंह जी दिया कुमारी के टाइगर लाई रहा है ठाका सब गांव खाली भी जाए और वो टाइगर थाने खाई जाए अनिवार्य मैं कह रही हूं वो टापर है विनय समझ में नहीं आई रही है कि वो टाइगर अरे किला नीचे रे ऊपर आई नहीं रही हो अपने विधानसभा को एक गांव छोड़ दे घर नहीं जाई रो वो आज भी आपने कह रही हूं क्यों टाइगर 50 साल पहले थे 1970 को रिकॉर्ड है कोई इतिहासकार नहीं बताई नहीं मैं बड़ा भाई महेंद्र सिंह जी बीएन का सेक्रेटरी बैठा था कहा बटे सब इतिहास है 1970 में अटे दो टाइगर की एक युद्ध भी हो भी को रिकॉर्ड है बीएन कॉलेज में आज 53 साल पहले थे टाइगर रहा और वो टाइगर आऊ अटे जो व्यवसाय बाढ़ी विकास हुई लोगों ने रोजगार मिली और मैं आपने बहुत साफ कह दे रही हूं एक मकान नहीं जाएगा और एक गांव खाली नहीं रहेगा कोई खाली रहेगा तो गोली चलेगा सुरेंद्र सिंह राठौड़ पे भी गोली खाएगा ये खाली हूं बाला दे हूं जाला दे हूं काम नहीं चलेगा जैसे आप सूची नहीं क्यों मारे बंदे भाव ना क्यों वीडियो जारी करो अना क्यों मुंह नहीं करूं तो मुंह भी आपने कह रही हूं कि टाइगर की वजह वो एक भी घर की कोई नहीं टूटेगा नहीं एक भी घर नहीं जाएगा लेकिन आने समझ में नहीं आई बोला कहीं अब आज के बाद तो मैं भाषण ही उल्टा उल्टा बोल
क्यों जनता जनार्दन को कहा। अब अंत में एक बात कहूं कि यो जनवरी महीनो आई रो है, आप सबने याद है नहीं कुंभ का मंगरा में आपा ईटा की पूजन की थी कि भगवान राम को मंदिर उड़ावा, मैंने बड़ो आश्चर्य आपा लेंगे। वो एक उपचुनाव बांसवाड़ा डूगलपुर में कोठारी साहब बटे एक पूर्व प्रधान साहब एक भाषण दे जावा, बोला भाषण में क्यों देखो ए बीजेपी वाला आया गामा गामा मु ईटा बेड़ी की दी रुपया ले गया और रुपया ले लेंगे एक दो तीन हेलीकॉप्टर ले आया। फिर हेलीकॉप्टर में आडवाणी पूरा देश में घूम रही हो प्रचार कर रही हो मैंने वोट दो अशोक प्रचार की लोटी की दौड़ा। अबे बड़ा के सबके आंखिया का ऑपरेशन करावा की जरूरत है। मां कहता हा के मंदिर बनावा पर तारीख तेज नहीं है। अब तारीख आएगी नरेंद्र मोदी आया बात भगवान राम को भव्य मंदिर बन गयो है। और अगर बैठा था जी मैं गारंटी कह सकू पटेल साहब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुनता सही भगवान राम के उठे भेट सबराबादी दागिंदा भगवान राम मंदिर बनावा पूरा देश में राजस्थान पहला नंबर का आयो और कुंभलगढ़ में घर घर में लोगों की भावना ही और चले चले राम मंदिर में पैसा इधर। और अभी जनवरी महीना में भगवान राम ही मंदिर में विराजी वो काम मोदी जी अच्छा कितो कितो तो ये दिल्ली में जो बेड़ा दी जाओ सब गेंद बेड़ी मेरी मोदी हटाओ क्यों राम मंदिर बनावे वो धारा 370 हटावे वो ठाकुर जी के पूजा करे बात है डीजी फ्री करे थोड़ी बात है। आप सब ने संकल्प आज ले जानो आप सब जगह जिम्मेद पे और चुनाव है और मैंने बड़ो आश है कि एक नारो आपने लगानो है। मैं राजस्थान पत्रिका में पहली एक बार खबर छपी मारी आत्मा ने बहुत पीड़ा दी। आप सब मेवाड़ में मेवाड़ को नाथ कौन है तो नारो लगाओ मेवाड़ को नाथ मेवाड़ को नाथ मेवाड़ को नाथ। आप सब ने एक बार पुनः आज और निवेदन करियो यो चुनाव सुरेंद्र सिंह नहीं लड़ रही हो। सुरेंद्र सिंह तो आराम गाड़ी में घूम रही हो और गांव में आई आपने मनवार कर लियो फूल पे बटन दबा दियो जितना ज्यादा वोट जी तो उतना ज्यादा तो इज्जत तो आपकी बर्डी मारी बर्डी थी। अरे वहां पर निश्चित तौर कह रही हूं कि अब की बार 50 पार यदि अब की बार करो तो अगला 25 साल तक कमल का फूल ले कुंभलगढ़ में कोई हला ही नहीं सके। बहुत बहुत धन्यवाद।